हेलो भाई लोग, क्या हाल है? एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस, तुरंत निकलूंगा। मौसम बहुत ही तगड़ा हो रखा है, लेकिन ऑफिस जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आज के वीडियो में ऑफिस में क्या हो रहा है वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग तो देख चुके हैं। आज मैं जा रहा हूँ एक्चुअली ऑफिस के बाद, मेरा एक डेंटल अपॉइंटमेंट है डेंटल क्लिनिक में। तो हुआ क्या है कि ये देख रहे हो, ये सामने के दो दांत एक के ऊपर एक चढ़ गया। तो मैंने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या कहीं पर देखा था कि प्लस डेंटल करके कोई एक कंपनी है, एक चेकअप है जो स्कैन है, 3D स्कैन वगैरह कुछ करते हैं, वो फ्री होता है। दे विल डू सम टेस्ट एंड समथिंग, उसके बाद आपको वो लोग अपना प्लान बताते हैं। तो वो लोग जो ब्रेसेस लगाते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, तो उसका मुझे आइडिया नहीं, मैं जाके पता लगेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप स्वीडन में हो तो ये बात दिमाग में रख लो कि यहाँ पे हेल्थ केयर में हमेशा बोलता रहता हूँ कि बहुत सस्ता है या फिर फ्री है, बट डेंटल ट्रीटमेंट या फिर स्किन ट्रीटमेंट ये बहुत महंगा होता है। बहुत महंगा मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है। स्वीडन में एक बेनिफिट ये होता है कि इफ़ यू हैव बीन टू अ हॉस्पिटल बिफोर, तो एक इंश्योरेंस रहता है, उसके अंदर आपको 600 क्रोना तक मिलता है पर ईयर। तो 600 के बाद में भी आपको पे करना पड़ेगा, एंड अगर आप 30 साल से ऊपर है आपकी उम्र तो आपको 300 क्रोना मिलता है। एनीवेज मैं निकल रहा हूँ अभी, ये एक्चुअल में मैं रिकमेंड करूँगा कि नहीं वो भी आपको बताऊँगा। कंसल्टेशन फ्री है, जब ट्रीटमेंट देंगे वो इट विल गो अप टू लाइक 4 to 10 months डिपेंडिंग ऑन कि कितना कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, और महीने का आपको फिर पे करना पड़ेगा या फिर आप एट अ टाइम पे कर सकते हो, इतना मेरे को अभी पता है, अभी जाके देखते हैं। यहाँ पे एक इंग्लिश स्कूल है इंटरनेशनल, बहुत बच्चे आते हैं सुबह सुबह, छोटे बच्चे 3-4 क्लास में पढ़ रहे होंगे, एक एक फोन पकड़ के आ रहे हो स्कूल। वर्क वर्क वर्क, आई डोंट लाइक वर्क, आई अवॉइड इट, बट वर्क लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। मैं तो यार भूल गया था कि मुझे जाना है डेंटिस्ट के पास, और वीडियो बना रहा हूँ, इतना काम था ऑफिस में। मैं प्रोमा जा रहा हूँ अभी डेंटिस्ट के पास, देखते हैं क्या सीन बनता है। लोकेशन में आके तो पहुंच गए हैं, यही था उल्रिका बेंच। चलो लग तो ही रहा है बट पता नहीं। मैंने किसी से बात नहीं किया, यहाँ पे कोई है भी नहीं, मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे। यहाँ का 4:40 होने में और 9 मिनट बाकी है। चला सोच के क्या गया था इंसान और क्या हो गया, 20,000। तो भाई उन लोगों ने बोला 20,000 लगेंगे अगर वो वाला चीज लगाओगे, जो चीज मैं अभी फोटो में डाला हूँ वो, ठीक है, तुम्हारा 3D स्कैन करके किस हिसाब से तुम्हारा लगेगा वो तुमको बताएंगे। बट उसने और एक चीज भी बोला कि तुम्हारा बहुत मतलब तुम्हारा दांत में कुछ कुछ कैविटी है, फिलिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर एक्सरे करना पड़ेगा, एक्सरे का रिपोर्ट आएगा, फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। तो फलाना ढिमका बहुत सारी चीज़ें उसने बताया, तो फिर ये सब तो 3-4 हज़ार क्रोना में हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे दांत को सीधा करने के लिए, मतलब जो पार्ट तुमको सीधा करना है, जैसे मेरे ये दांत इसके ऊपर चढ़ गया, तो उसको ठीक करने के लिए जो है वो 20,000 लगेगा, बस 20,000 हो जाएगा, 20,000 क्रोना। चला इंडिया में 20-25 हज़ार में होता है, मेरी दीदी ने करवाया था। आई रियली मिस इंडिया नाउ, आई डोंट थिंक कि मैं अगर इंडिया में जाके भी वो कैविटी और वो सब ठीक करूँ तो इतना ज़्यादा लगेगा, मतलब 3-4 हज़ार क्रोना, मतलब अराउंड 25-30,000 इंडियन रुपीस, मुझे नहीं लगता इतना लगेगा। देखते हैं इंडिया के जाते तो वो करवा लेंगे। भगवान की दया से कभी मुझे डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़ा है, मतलब बचपन से कभी नहीं गया था मैं। तो वहां पे जो थी बंदी, उसने मुझे बोला कि फॉर शेक्रिंग्स का सन, तो इफ यू आर रजिस्टर्ड देयर देन पर ईयर आपको कुछ 600 क्रोना अराउंड मिलता है। सो मतलब उसको यूज करके आप ये सब डेंटल ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हो। और ऐसा भी है कि एक लिमिट के बाद, सपोज 3,000 या 4,000 कोरोना के बाद अगर आपको पड़ रहा है मतलब आपका ट्रीटमेंट, तो आई थिंक आपको डिस्काउंट उसमें मिल सकता है। तो आई वो चेक की और बोला कि इफ यू हैव विजिटेड हॉस्पिटल बिफोर तो यू विल बी पार्ट ऑफ इट, आई मीन ऑटोमेटिकली रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन मेरा वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं था,
जबकि मैं तो हॉस्पिटल गया हूँ यार, गोथेनबर्ग में गया हूँ। तो भाई अभी हो रहे हैं सुबह के 11:30, वेदर दोपहर हो गई है और इतना गंदा वेदर हुआ है ना, हफ्ते भर जब ऑफिस रहता है बड़ा सन आता है, बाहर चमक रहा होता है, अभी इतना गंदा मौसम हुआ है ना, बारिश हो रही है सुबह। हम लोग अभी फिलहाल जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, तो अगर आप शिश्ता में हो तो यहाँ पे एक शिश्ता रैकेट सेंटर करके है, वहाँ पे आके बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हो। पहली बार जा रहे हैं तो हम लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, नेहल के एक फ्रेंड है, स्वीडिश क्लास में फ्रेंड बने हैं, तो वो लोग यहाँ रहते हैं और वो शिश्ता रैकेट सेंटर यहाँ पे है। तो ये रहा भाई, आप पहुँच गए, देखते हैं अंदर क्या। सो वी आर इन दिस बैडमिंटन कोर्ट। चलो बैडमिंटन तो खत्म हो गया, अभी चलते हैं एक्चुअल वीडियो में। बट यार एक चीज अच्छी है कि जो ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे होता है या फिर जो चेकअप्स वगैरह होता है, जब मैं आई टेस्ट करने गया था ये चश्मा के लिए तो काफी अच्छे से करा था, तो आज भी अच्छे से पूरा अंदर ऐसे कुछ कुछ करके 3D स्कैनिंग करा, तो मैंने देखा कि कितने ज्यादा कैविटी है और कितना दांत साफ करना जरूरी है। ब्रश करता हूँ मैं, बट वो चीज अच्छी लगी मुझे। तो ऐड देख के मैं गया था, मतलब इंस्टाग्राम में फेसबुक में कहीं पे तो ऐड आया था, मैं देख के गया था, उनके वेबसाइट में भी लिखा है कि मंथली 391 से स्टार्ट हो रहा है, और उसने मुझे बोला 20,000 krona। तो भाई टोटल 20,000 krona तो है, लेकिन आज एक्चुअली मुझे काफी टाइम के बाद, तो एक वीक के बाद मुझे आ गया है मेरा ट्रीटमेंट का डिटेल्स, तो उसमें उन लोगों ने मुझे भेजा है कुछ कुछ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि नहीं पता नहीं। तो उसमें उन लोगों ने ये बताया है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हो देन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू पे। तो मैंने जब बताया ना 300 समथिंग का कुछ रहता है, तो एक्चुअल में 352 का है, लेकिन दैट इज पर मंथ फॉर 6 ईयर। तो वही है कि मेरे को टोटल 24,000 हो रहा है अगर मैं वो प्लान लेता हूँ 6 ईयर्स के लिए। अगर मैं एक साल में पे करना चाहता हूँ तो मैं तकरीबन कुछ 21,000 या फिर 22,000 दूंगा, और जिसमें पर मंथ 1,800 आपको देना पड़ेगा, और एक साथ पे करने के लिए 20,900, विच इज अ लॉट। तो ये ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है 4 मंथ्स का, और वो लोग ऐसे दिए हैं कि आपका दांत अभी कैसा दिख रहा है एंड बाय यूजिंग दिस आफ्टर 4 मंथ्स कैसा दिखेगा। तो मतलब पिक्चर में तो पूरा मतलब इट्स अभी ऐसा है और ऐसे हो गया पिक्चर में, एंड लोग गारंटी ये दे रहे कि अगर बाय द एंड ऑफ 4 मंथ्स आपको लगता है कि नहीं मेरा दांत ठीक नहीं हुआ, देन वो चीज और एक बना के वो देंगे, एंड दैट्स फ्री, विच इज गुड। बट अभी पैसे इतने है नहीं मेरे पास इसके लिए इतना खर्चा करूं। अगर आपके बच्चे भी हैं इवन प्लस डेंटल, तो वो अलग चीज है, मेटल वाला ब्रेस होता है, वो भी आप करवा सकते हो आई थिंक फ्रीली इफ योर चाइल्ड इज लाइक बिलो 23 ईयर्स, विच इज प्रीटी ऑब्वियस। ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होंगे जिनके बच्चे 23 साल से ऊपर हो, मतलब होंगे बट इंडिया से जो काम करने आ रहे हैं उनके तो नहीं होंगे। तो या दैट्स एन अपडेट, बाकी महंगा तो है यार। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, विल सी इन द नेक्स्ट वन। देख लेना यार सब्सक्राइब का, लाइक का, देख लेना।